जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि हमने आई कॉपीफाई पे बिड्स कैसे लगानी है और बिड्स लगाकर हमने ऑर्डर्स कैसे जनरेट करने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने बग़ैर पेपाल के भी आप यूज़ कर सकते हैं आई कॉपीफाई, उसके अलावा आप वेबसाइट लगा कर भी ऑर्डर ले सकते हैं और इसके अलावा भी आप बिड्स लगा के भी ऑर्डर ले सकते हैं। जैसा कि जो हमारा पहला कोर्स था एडसे का, उसमें लोगों को, बहुत से लोगों को, यूट्यूब के स्टूडेंट्स को भी, फिज़िकल के भी और ऑनलाइन के भी बच्चों को बहुत से ऑर्डर लगे हैं। बिड से भी लगे हैं, दूसरे भी लगे हैं, बहुत से ऑर्डर लगे हैं। ठीक है, एक और प्लेटफॉर्म है जिस पर मैंने उनको काम सिखाया था, उन पर भी उनको 170 यूरो, 159 यूरो के ऑर्डर लगे हुए हैं। ठीक है, उनके वीडियो आगे जाके इंशाल्लाह आएंगी। उसके अलावा आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि बिड्स लगाकर आप लोगों ने ऑर्डर्स कैसे जनरेट करना है। ठीक है, सारा प्रोसेस बताऊंगा आपको मैं, ईच एंड एवरीथिंग, स्टेप बाय स्टेप। ध्यान से देखना है, समझ ना लगे आप अगेन दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब बग़ैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि अगला प्रोसेस हमारा क्या है, बिड से हमने ऑर्डर्स कैसे जनरेट करने हैं। जैसा कि अब हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ और अब हम देखते हैं कि हमने कैसे इस पे अकाउंट लॉगिन करके हमने कैसे बिड्स लगानी है। सबसे पहले मैं चलता हूँ क्रोम में और यहाँ पर अपना अकाउंट जो है आई कॉपीफाई का अकाउंट जो है वो यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम आई कॉपीफाई का अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं। icopify.co ये वेबसाइट है और इसका हम अकाउंट लॉगिन करते हैं। अकाउंट लॉगिन करने के बाद ये देखिए ऑलरेडी अकाउंट लॉगिन है क्योंकि मैंने सेफ पासवर्ड किया हुआ था इसीलिए। अब आपके सामने डैशबोर्ड अगर बायर का है, ये देखिए ये पब्लिशर का डैशबोर्ड है, पब्लिशर का डैशबोर्ड। अब फॉर एग्जांपल आपके सामने डैशबोर्ड आता है, यहाँ पर ऐसा डैशबोर्ड आता है तो समझ जाएं ये बायर का है, ये आपका नहीं है। आप एज आ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, आपका नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्विच टू पब्लिशर कर देंगे और यहाँ पर ओपन ऑफर्स में आपकी बिड्स होती हैं। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ओपन ऑफर्स में आए हम यहाँ पर देख लें, यहाँ पर टॉप टू बॉटम ऑफ़र आईडी लिखी हुई है, क्रिएशन डेट लिखी हुई है, मतलब किस दिन ऑफ़र लगी है, ऑफ़र नेम लिखा हुआ है, आगे उसकी प्राइस लिखी हुई है, आगे सर्विस लिखी हुई है, लिंक इंसर्शन है, कंटेंट प्लेसमेंट है, उसके अलावा कंटेंट प्लेसमेंट एंड पब्लिकेशन है। ठीक है, और आगे बिड्स लगी हुई है कि अपने बिड्स कितनी लगाई हैं आपने, सिर्फ हमारी शो होंगी, लोगों की शो नहीं होंगी यहाँ पर। अब पहली बात ये है कि आपकी जो भी वेबसाइट्स ऐड होंगी ना, रेलेवेंट होंगी बिड के हिसाब से, वही शो होंगी। अगर आपके पास एक भी साइट ऐड नहीं है तब आप बिड लगा ही नहीं सकते क्योंकि आपको साइट ही नहीं ऐड। आप इसीलिए पहले अपनी साइट्स ऐड करोगे फिर उन पर आप बिड लगा सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आज की ही डेट में ये बिड लगी है। ठीक है, उसने कहा है कि मैं कॉन्टेंट प्लेसमेंट करवानी है, टेक्नोलॉजी की कोई है, ठीक है, ऑफर नेम टेक्नोलॉजी लगाया और आज ही ये लगी है और $7 उसका बजट है। हम करेंगे व्यू एंड बिड, देखिए वो कह रहा है डू फॉलो लिंक हो, 1000 ट्रैफिक हो मंथली, इंग्लिश में आर्टिकल हो, डीएस का 40 हो, डीआर 15 हो और यहाँ पर नीचे से लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट्स, आई नीड वेबसाइट वेयर यू कैन पब्लिश माई आर्टिकल, वेबसाइट नीडेड टू मिनिमम 1000 HRF ट्रैफिक। मीन्स के वो कहते हैं 1000 कम अज़ कम HRF ट्रैफिक हो, AHRF ट्रैफिक हो ऑर्गेनिक, और इसका जो DA हो मिनिमम 40 हो। अब मुझे पता है स्कोप और वेबसाइट है वो कैटेगरी भी मैच करती है, उसके अलावा DA DR ट्रैफिक सब कुछ इसका फुलफिल करती है। आपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट देख लेनी है। अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वेबसाइट उसे प्रोवाइड करेंगे तब आपका उम्मीद होती है 90% के आपको वो बिड एक्सेप्ट हो जाए। जैसे कि यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही वेबसाइट ऐड की हुई है scooper.com, तो हम ये ऐड करते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्कूपर्स का कोई ना टेक्नोलॉजी का, अब यहाँ पे उसने टेक्नोलॉजी का मांगा है, टेक्नोलॉजी न्यूज़ और बिजनेस। हम क्या करेंगे यहाँ पर टेक्नोलॉजी का कोई ना यहाँ पर आर्टिकल इसका उठाएंगे। यहाँ पर देखें टेक्नोलॉजी का, ये बिज़नेस का भी आ गया, वैसे बिज़नेस का आ गया लेकिन बिज़नेस का तो हम नहीं उठाएंगे, लेकिन हम टेक्नोलॉजी का कोई उठा लेते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी उसकी मेन कैटेगरी लग रही थी, उसका नाम भी था। यहाँ पर टेक्नोलॉजी के हिसाब से कोई देख लेते हैं हम, अभी तक बिज़नेस के ही आए जा रहे हैं, बायो के आए जा रहे हैं, हेल्थ के आए जा रहे हैं। यहाँ पर जी बिज़नेस, ये देखें टेक्नोलॉजी आ गया। अब यहाँ से भी मैं लिंक कॉपी कर सकता हूँ, यहाँ से भी, ठीक
ठीक हो गया, देखें कॉपी लिंक एड्रेस, लेकिन इसको मैं ओपन करके और इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। इसका जो लाइव लिंक है, जो सैम्पल है, वो मैंने इससे कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे $5 लगा दी प्राइस। अब मुझे पता है कि ये 250-300 में मिल जाती है, ठीक हो गया। और उसने लगाया मैक्सिमम $7 बजट, मीन्स कि मेरे ख्याल से उसने कुछ फ़ी वगैरह कट करने के लिए ये लिखा होगा, लेकिन ये है कि 5 मैं लगा सकता हूँ, मैं 7 भी लगा सकता हूँ, लेकिन मैं 5 लगा देता हूँ, ठीक है। और इसको कर देते हैं मेक अ बिड, और यहाँ पे देख लें आपकी बिड सक्सेसफुली लग गई है। अब यहाँ पर आपकी बिड शो भी हो रही होगी, यहाँ पर देख लें गौर से। अब हम दोबारा चलते हैं ओपन ऑफर्स में, यहाँ पे देखें एक बिड लगी हुई है, ये देखें अभी हमारी एक बिड लग गई है। आप इसमें और भी बिड्स लगा सकते हैं, ठीक हो गया। आप अपनी वेबसाइट ऐड करेंगे, बिड्स लगाएंगे, जैसे जैसे आपका अकाउंट ग्रो होगा, यहाँ पे देखें टॉप टू बॉटम यहाँ पे 3 पेजेस शो कर रहा है फ़िलहाल, लेकिन और भी इसमें पेजेस हैं, ठीक है। लिंक इंसर्शन के ऑर्डर हैं, कंटेंट प्लेसमेंट के हैं, यहाँ पे देखें बड़े बड़े ऑर्डर्स भी हैं, $50-$50 के भी ऑर्डर्स हैं यहाँ पर। मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर, ये देखिए $67 का ऑर्डर, ठीक है, 34 का, 30 का, इसके अलावा 29 का, 34 का, 67 का। यहाँ पर ऑर्डर्स बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स भी होते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए 50 का, 60 का। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने वेबसाइट्स कैसे ऐड की हैं, लेकिन बिड लगाने से पहले अगर आपने क्लाइंट रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ी हुई तो फिर आपका काम ही फालतू है, आप उसको ऐसे ही डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको फालतू की साइट्स भेज रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये सारा कुछ मैंने इसे कवर कर दिया। अगर इसके अलावा मेरे ख्याल से कोई चीज़ ऐसी है नहीं जिसको हम इसमें कवर कर सकते हैं बिड में, बिड में सिर्फ यही होता है कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ध्यान से क्लाइंट की रिक्वायरमेंट देख लेनी है, फिर उसमें सैम्पल वगैरह ऐड करना है, प्राइस वगैरह ऐड करनी है और उसको पब्लिकेशन के लिए उसको भेज देनी है बिड। जब वो एक्सेप्ट हो जाएगा तब आपको वो ओपन ऑफर्स में यहाँ पर इसके नीचे गेस्ट पोस्ट आस में भी आपको आ जाएगा, एक शो हो जाएगा, एक ऑर्डर का, दो ऑर्डर का दो शो हो जाएगा, फिर उसको एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर देखें यहाँ पर आपको आ जाएगा और यहाँ पर शो होगा कि आपको बिड से ऑर्डर लगा है या वैसे ऑर्डर लगा है, फिर आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा फर्दर सो ऑन, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।